हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल दैट चार्टर्ड कपल। और आज दैट चार्टर्ड कपल जा रहा है एक नई ट्रिप पे, जिसमें मैं आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ। ट्रिप है कॉट्सवॉल्ड की, कैटेगराइज इज वन ऑफ द बेस्ट टाउन इंग्लिश कंट्री साइड इन यूके। सो आप बने रहना इस व्लॉग में एंड तक। सो गाइस, आपके सामने अभी मसीज कोच है स्टार टूर का। ये बस सुबह 6 बजे ऑल्टमोर एवेन्यू बार्किंग रोड से मिलती है, जहाँ से आप फिर कॉट्सवॉल्ड्स के लिए निकलते हो। सो गाइस, सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 AM का टाइम था जो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है। और एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप हाईवे पे होते हो तो एक सर्विसेज करके यहाँ पे ब्रेक बने होते हैं, जैसे कि इंडिया में हम बोलते हैं कि ढाबे बने हुए, रोड साइड ढाबे जो होते हैं, तो यहाँ पे रोड साइड ढाबे को सर्विसेज बोलते हैं। और देखते हैं, अभी कुछ खाएंगे पियेंगे एंड फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। माता जी, तनु गर्मा गर्म चाय और तनु और तुसी भी खुश। और लंदन में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, साथ परोठे मिल जाए, और की चाहिए पापा जी। वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बैबरी। बैबरी जो है ट्राउट फार्म है, ट्राउट मींस फिश एक्चुअली। यहाँ पे फिश की फार्मिंग करते हैं और इट्स बीन लाइक कैनेडियन दिस फार्म इज हियर। आप देख सकते हो 1902 में बना था। और अभी हम फार्म के अंदर जाएंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और एडल्ट 5 मिनट की टिकट है, बट इट्स वर्थ गोइंग इनसाइड एंड चेक हाउ द फिश फार्मिंग इज डन। सो लेट्स गो इनसाइड। मेरा पक्षी गुरबख्श, गुरबख्श तू कहाँ रह गया भाई? गाइस, यहाँ पे देखो कितनी सारी फिश हैं। एक दाना पड़ते ही इनमें हरकत शुरू हो जाएगी। दिखाओ जादू। ये एक दाना गया तो जार डालो। ओए 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 ओए, सी द मैजिक। बहुत सारी फिशेज हैं यहाँ पे और दाना डालने का अलग ही मजा है। डालो। ओए ओए। गाइस, अभी जो आपने देखा था वो फिश का बच्चा था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा व्हेल फिश। आर यू रेडी? 3, 2, 1, सी द मैजिक। व्हेल फिश इज हियर। व्हेल फिश, सॉरी आई वाज जस्ट जोकिंग, इट्स नॉट व्हेल, बट ये भी कम नहीं है। सो दिस इज द ट्राउट फार्म। मैं इस फार्म का आपको एक पैनोरमिक व्यू दिखाता हूँ। बहुत अमेजिंग फार्म है। और यहाँ पे बेदी जी खाना खिलाते हुए मछलियों को, और माता जी साथ में। ऐसा बोला गया है मछलियों को खाना खिलाना बहुत शुभ काम है, तो दोनों अपने हाथ से ये पुण्य काम करते हुए। इतनी बड़ी फिश है यहाँ पे। बहुत बड़ी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है बट फिर भी काफ़ी बड़ी है। मेरे दोस्तों, तुम्हारा अन्नदाता आ चुका है। अन्नदाता, आज तुम सबका पेट भरेगा। आओ 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 आओ। ट्राउट फार्म में है एंड यहाँ पे बहुत अमेजिंग फिशेज हैं और अलग अलग पॉन्ड में अलग अलग साइज की फिशेज हैं। ये खाना खाती हैं फिशेज, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने खाना खिलाया हुआ है लेकिन ये ब्राउन कलर के ये नट्स तो नहीं खिलाए हुए। ऐसे नट्स तो कभी नहीं खिलाए तो, बट मन तो मेरा भी कर रहा है कि चख के देखूं कैसा है, बट दिस इज फॉर फिश तो मुझे नहीं खाना। हाँ चलो खिलाते हैं। हालांकि जब फिश को हम खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर ये भी आता होगा, बट अभी इसको देख के वी कांट ईट इट। चलो ट्राई करो, खिलाओ थोड़े से। तो अभी आप देखना मैजिक, जैसे ही मैं इसमें डालूंगा आपको जितना शांत ये पॉन्ड दिख रहा है उतनी इसमें हरकतें शुरू हो जाएगी। ओ तेरी।
ये अन्नदाता, आज सबका पेट भर के जाएंगे, आज सबका पेट भर गया हूं। ये लो। कोई भी एक मछली ऐसी नहीं होगी जो आज भूखी रह जाए। ये लो। ओए होए होए। Now we are heading to the Model Village. So Model Village एक miniature village है, but देखने में बहुत सही लग रहा है। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप लिलीपुटियों की बस्ती में आ गए हो। तो असल में हम लिलीपुटियंस की बस्ती में जा रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जजंतरम ममंत्रम, तो एग्जैक्टली मैं आपको वो मूवी का जो सीन है वो रिक्रिएट करूँगा वहाँ पे। चलो बेसिकली कॉट्सवॉल्ड का पूरा कॉट्सवॉल्ड का एक पूरा एक विलेज का एक मॉडल बना हुआ है, और उस मॉडल के अंदर पूरे कॉट्सवॉल्ड की एक बेसिकली छोटे छोटे मिनिएचर हाउसेस बने हुए हैं कि पूरा कॉट्सवॉल्ड कैसा बना हुआ है। तो इट्स अ 10 मिनट्स टूर, जाते हैं और देखते हैं एंड लेट्स एंजॉय। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी मॉडल विलेज। चलते हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं 4.5 एंड 4 एंड 3.5। सो हम आ चुके हैं लिलीपुटियंस की बस्ती में। लिलीपुटियंस की बस्ती में आप देख सकते हो ये इनका दरवाजा है, दिस इज एंट्रेंस। इस एंट्रेंस से आप अंदर निकल जाएंगे। सो ये इनका घर है, मिस्टर स्टीव यहाँ रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और दो बच्चे हैं उनके। अगर आप मिस्टर स्टीव को आवाज़ मारेंगे तो वो बाहर निकल के आएंगे अपने घर से। आई विल शो यू फ्रॉम डिस्टेंस। मिस्टर स्टीव, आर यू इनसाइड? लगता है आज मिस्टर स्टीव ऑफिस गए हैं तो घर पे नहीं है। लेट मी नॉक। आर यू इनसाइड मिस्टर स्टीव? नो, देयर इज नो वन। Hello guys, this is my new house in Burton on the Water in Cotswold. As you can see, this is a whole villa which I'm planning to buy. It's for £1 million. It's very cheap though. So next you will see, I will be moving inside very soon. So ghar pravesh pe zarur aana aap sab log. This is the entrance of my house. Entrance pe thoda sa kaam karwana padega. Yeah, this needs some repair work because as you can see. Our dream home. So, कैसा लगा आपको ये घर? Thank you guys. आज का हमारा सफर आपके साथ यहीं तक था, और हम अभी बर्फर्ड में हैं और यहाँ से हम अब लंदन की तरफ वापस जाएंगे। पूछ करेंगे। एंड इस ट्रिप की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट अगर किसी को भी विजिट करना हो सो इट्स वेरी इजी टू रेफर बैक। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स डालें। वी आर हियर टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर इस ट्रिप के बारे में आपको कुछ भी जानना हो कि कॉट्सवॉल्ड के अंदर कौन कौन सी काउंटीज आती हैं, जैसे कि हमने जो आज कवर करी है जिसमें बिलबरी, बर्टन ऑन दी वाटर एंड द थर्ड वन इज बफर जिसपे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पीछे बहुत अच्छा विला है। तो इस ट्रिप के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने सब कुछ डाल दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ट्रिप कैसे कवर करी, किसके साथ कवर करी और कितना इस ट्रिप के चार्जेस एंड एक्सपेंसेस हमें हमारे लगे। ओके, और जाते जाते यही बोलूँगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और हमने बनाई इसको इतनी बढ़िया है कि आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एंड और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन, वहीं कोने में लाल बटन है उसको जरूर जाने से पहले प्रेस करके जाना भाइयों। ओके, बाय बाय।